देखिए स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में हमने सीखा कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अमीटर एक ऐसी डिवाइस जो करंट को मेजर करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। अब वोल्टमीटर की हम बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्टमीटर कैसे यूज किया जा सकता है। तो वोल्टमीटर मैंने बताया था, आइडियल वोल्टमीटर वो वोल्टमीटर होता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ऐसा वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, वो अपने आप से खुद से करंट कम पास होने देता है और वो जो भी मेजरमेंट देता है वो एक्यूरेसी की तरफ अप्रोच हो रहे होते हैं। अब आप और हम जो बात कर रहे हैं, हम आप और हम कौन सी बात कर रहे हैं कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना चाहें, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे सीरीज कॉम्बिनेशन में एक लार्ज रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना होता है, क्योंकि मैंने कहा रेजिस्टेंस लार्ज होगा तो एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। जैसे देखिए, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में वी है, इससे पास होने वाला करंट आई है और उसी आई करंट को मैं आई जी कह रहा हूं। तो पहली बात तो ये कि वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वोल्टमीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। तो देखो, ये रहा कोई रजिस्टर जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हमने ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अब यहां से इसके कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया, तो चेक करो, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट कनेक्ट किया। और ये सर्किट क्या है, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस है। अब देखो, जो करंट इससे पास होगा, जो करंट एक्स से पास होगा, जो करंट जी से पास होगा, उसे मैं कह सकता हूं करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, और वही हमारा करंट है जो पास हो रहा है एक्चुअलिटी में। तो मान लीजिए मैं कहता हूं V इक्वल टू आई इंटू आर इक्वेलेंट, कैपिटल V, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लीजिए। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V इक्वल टू आई इंटू आर इक्वेलेंट। तो V को आप लिख सकते हैं I करंट, I रहने दीजिए, R इक्वेलेंट मतलब दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में, तो आप लिख सकते हैं X प्लस कैपिटल G। जैसे आपने X प्लस कैपिटल G लिखा स्टूडेंट, तो यहां से हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस I को मैं कहता हूं IG, तो V डिवाइड बाय IG इक्वल टू X प्लस कैपिटल G, तो X इक्वल टू आ गया V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। अब थोड़ा समझने पे ध्यान देना बच्चों, व्हाट इज V, तो V क्या है, तो V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। कैपिटल G क्या है, तो कैपिटल जी है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आई स्मॉल जी क्या है, करंट पासिंग थ्रू वोल्टमीटर, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट पासिंग थ्रू कॉम्बिनेशन एक्स एंड जी, दोनों से पास होने वाला करंट आपके पास में ही एग्जिस्ट करता है। अब देखिए क्या हुआ, सपोज आपने क्या किया, आपने 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। थोड़ा समझने पर ध्यान देना बेटा, आपने क्या किया, 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद देखो, कुछ ड्रॉप होगा एक्स के अक्रॉस, कुछ ड्रॉप होगा जी के अक्रॉस। रिपीटिंग वंस अगेन, पोटेंशियल में कुछ ड्रॉप होगा एक्स के अक्रॉस, कुछ ड्रॉप होगा आपके पास में जी के अक्रॉस। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव